नमस्कार, मैं हूं सुदीप राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए खेल के अड्डा में लेके। तो चलिए बात करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच हुए मैच को लेकर। कल ये मैच आपको पता ही होगा, जिस तरीके से बारिश हुई और बारिश चलती ये मैच रुक गया और इस मैच के लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया था सोमवार को 11 सितंबर, यानी कि आज। अब बता दें कि अगर आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होगा तो इसमें परिणाम क्या निकलेंगे। बारिश की आशंका आज भी है। एशिया कप 2023 सुपर फोर मुकाबले में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया जो बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 24.1 ओवर में 2 विकेट पर 147 रन बना लिए। अब यह मैच रिजर्व डे यानी कि 11 सितंबर को पूरा होगा। रिजर्व डे में भारतीय टीम 24.1 ओवर के आगे से इसी स्कोर के साथ खेलना शुरू करेगी। जिस तरीके से कल टॉस हुआ, टॉस होने के बाद बाबर आजम जो पाकिस्तान के कप्तान हैं, उन्होंने टॉस जीतने के बाद भारत को पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की टीम ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया। जिस तरीके से कल रोहित शर्मा, जिसको फैंस उम्मीद थी कि रोहित और शुभमन गिल का बल्ला बखूबी चलेगा, और वो कल के मैच में साफ तौर से देखने को मिला। अच्छी शुरुआत हुई, दोनों के बीच शतकीय पारी हुई, और जिस तरीके से शादाब खान जो पाकिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं, जब उनका ओवर आया, उस ओवर में जिस तरीके से रोहित शर्मा ने अटैकिंग किया, एक ओवर में उनके 2 छक्के 1 चौके, यानी कि पहले ओवर में उनके 19 रन बना डाले। उसके साथ जिस तरीके से फिर दूसरे ओवर में रोहित शर्मा ने 12 रन बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की वो जो पारी थी जल्दीबाजी में वो आउट हो गए। 2 ओवर में लगभग 31 रन बनने के बाद भी जिस तरीके से लगातार बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते उनका विकेट गिरा। लेकिन बता दें आपको कि बारिश के चलते 24 दशमलव का खेल जो हुआ है, इसमें अगर बारिश आ गई जिससे मैच रोक दिया गया, तेज बारिश के कारण रविवार को मैच पूरा ना हो सका। एशिया कप 2023 में फाइनल और इस मैच के लिए, यानी कि फाइनल मैच के लिए और भारत पाकिस्तान के मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया था। ऐसे में अब इस मैच को रिजर्व डे में आज खेला जाएगा। अगर ये मैच पूरा हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए, सीधी सी बात है, किसी भी मैच को पूरा करने के लिए या जब बारिश होती है तो उसमें डकवर्थ लुईस जो नियम लगता है, उसमें उस मैच के लिए कम से कम दोनों पारियों को या दोनों देशों को कम से कम 20 ओवर का मैच खेलना जरूरी होता है। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि रिजर्व डे में अगर बारिश आई तो क्या होगा। आपको बता दें, रिजर्व डे को इसी पॉइंट यानी कि 147 पर 2 विकेट जो भारत गिरे, यहीं शुरू होगा, भारत की बल्लेबाजी यहीं शुरू होगी। मगर मौसम को देखते हुए फैंस के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अगर रिजर्व डे में भी यह मुकाबला बारिश से प्रभावित होता है तो क्या होगा। जी हाँ, इसका जवाब यह है कि रिजर्व डे में मैच नहीं हो पाता है तब मैच को रद्द कर दिया जाएगा। ये काफ़ी बुरी खबर होगी आपके लिए भी, मेरे लिए भी और तमाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी। लेकिन ऐसे में दोनों टीमों को एक एक अंक मिल जाएगा। नियमानुसार वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में मुकाबला का नतीजा निकलना जाता है वो कम से कम 20-20 ओवर का खेलना जरूरी होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। यानी कि रिजर्व डे में यदि बारिश आती हो तो मुकाबले को बेनतीजा कर दिया जाएगा। वहीं अगर मुकाबला का नतीजा निकालने के लिए पाकिस्तान को कम से कम 20 ओवर खेलने की कोशिश रहेगी, इसके बाद ही डकवर्थ लुईस नियम से नतीजा निकाला जा सकेगा। पाकिस्तान टीम के 20 ओवर भी नहीं खेल पाते हैं तो मैच रद्द किया जाएगा। तो आप साफ तौर से कह सकते हैं कि पूरे मैच को अगर इसमें जो नियम है 20 ओवर खेलने का, उसके बाद डकवर्थ लुईस नियम लगता है, इस सब के तहत अगर खेला जाएगा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ शुरू हो पाएगी। आपके लिए एक जानकारी और बता दें, आज अगर बारिश होती है, अगर ये मैच लगभग 6 बजे शुरू होता तब भी भारत टीम 50 ओवर अपने खेल पाएगी। यानी कि आप साफ तौर से कह सकते हैं कि जिस तरीके से कल 24 ओवर हुआ उसमें लगभग 2.5-3 घंटे निकल गए उस 24 ओवर को पूरा करने में, फिर बारिश आती है, बारिश से मैच रुकता है। लेकिन अगर आज बारिश होती है, क्योंकि जो कोलंबो का आर प्रेमादास स्टेडियम जहां मैच खेला जा रहा है, वहां पर जो नियम है, जो वहां पर जो बारिश का पूर्वानुमान लगाते हैं वहां के वैज्ञानिक, कभी कभी वो गलत भी साबित हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से वो बताते हैं कि बारिश होगी तो कहीं धूप निकल जाती है, जब बताते हैं धूप तो कहीं बारिश हो जाती है। तो इस कारण भारतीय टीम आज फिर से वहीं से स्टार्ट करेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि केएल राहुल जो कि इस समय क्रीज पे मौजूद है, विराट कोहली के साथ दोनों धुआंधार पारी खेलेंगे। अगर 50 ओवर का मैच होता है तो 50 ओवर के मैच में भारतीय टीम कोशिश करेगी कम से कम 350 का टारगेट देने के लिए पाकिस्तान को। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो डकवर्थ लुईस नियम है उसमें पाकिस्तान को 20 ओवर का टारगेट मिलेगा, उस 20 ओवर में पाकिस्तान को कम से कम 180 रन बनाने पड़ेंगे। फिलहाल मैच 3 बजे शुरू होना है। अभी जो वहाँ का मौसम है वो मौसम लगभग नॉर्मल है, अच्छी खासी धूप खिली हुई है। आप बने रहिए मेरे साथ, आपको हम पल पल का अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।